झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक ट्रक के साथ टकरा जाने से एक कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी एक किशोरी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गंभीर रूप से घायल किशोरी को स्थानीय चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया है। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय मोहित पुत्र कृष्ण निवासी चुलियान पान्ना बेरी के रूप में हुई है। जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि मृतक मोहित टाइपिस्ट का काम करता था और वो कार में सवार होकर इसी काम से ही झज्जर आ रहा था। बीच रास्ते उससे किशोरी ने लिफ्ट भी ली। जब वो बेरी झज्जर मार्ग पर रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो उसी दौरान सामने से तेज गति से आए एक ट्रक ने उनकी कार को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 11 बजे तला मिली थी थाने में, तो भाई एक्सीट दौड़ से निकल गए थे। बाईपास के पास एक कार वेक्टर का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसी तला पर हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर पता चला कि इसमें एक लड़के मोहित की मौत हो गई है। वह एक लड़की जो जिसने लिफ्ट ली थी उसको भी चोटें आई हैं। लड़के की मौत हो गई है रेड हाउस में, जिसकी नाश है था। लड़की को PGI रोहतक रेफर किया, इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होने जा रही है। किसके बयान पे कार्रवाई हो रही है? इसका भाई है लड़का जो मोहित एक्सपायर हुआ है, इसका भाई सुहित है, उसके बयान पे कार्रवाई। तो ये कहाँ जा रहा था, कुछ पता चला इसका? ये लड़का टाइपिस्ट का काम करता था और देरी से ये टाइप की मशीन लेने के लिए गुजर गया। हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो उसी समय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। उधर पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी TV।